प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष भाई इसबाल जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रिजना जियाउर रहमान जी, भाई नंदलाल जी जावर सुमीर जी, भाई उपस्थित डी सी सी के पदाधिकारीगण, भाइयों बहनों और पत्रकार बंधु, आज नंदलाल जी जावा ने अपने पिताजी और शहर जिला कांग्रेस कमेटी को माननीय माणक जी जावा की छठी पुण्यतिथि पर जो आयोजन रखा है बहुत ही मधुर है। माणक जी जिन हुकूमतों की मसीहत गरीबों के कामों को प्राथमिकता के आधार पर करते थे और उन्होंने जीवन में कभी भी पार्टी को नहीं बदला। आजकल की राजनीतिक पार्टियां रोज कभी आप देखते हैं कि जनता दल, कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी जनसंघ, उन्होंने कभी भी पार्टी को नहीं छोड़ा। उन्होंने हमेशा कांग्रेस को अपना समर्थन दिया और उनका धर्मनिरपेक्षता में, समाजवाद में, समता में और स्वतंत्रता में विश्वास था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए वे हमेशा कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, इन बातों को लेकर वे आगे बढ़ते थे। मुझे याद है उन्होंने गुगा गेट मोहल्ले में, अभिनंदन ने बताया कि वहाँ पर प्राइमरी स्कूल को मिडिल को सेकेंडरी को वाल्मीकि भाइयों के लिए छात्रावास की व्यवस्था और वहाँ दूसरों के मोहल्ले में पानी की बड़ी प्रॉब्लम थी। आप पानी देखो कम से कम 100 से 75 से 100 फीट नीचा डालना था। वो पाइपलाइन दूसरों के मोहल्ले में उन्हीं के कहने से पड़ी, मुझे अभी भी याद। वहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था, वहाँ पर हर तरह से, इसके अलावा आपके वाल्मीकि बस्तियों में अलग अलग जगह स्कूलें खोलना, मैं बराबर उनकी सलाह लेता रहता हूँ, कहाँ स्कूल खोलनी है, कहाँ डिस्पेंसरी बनानी है, कहाँ कुछ करना है, तो वो मेरे को गाइड करते रहते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका सारा जीवन, कुछ विचार और राजस्थानी भाषा के प्रति बहुत प्रेम, बहुत अच्छी राजस्थानी, अपनी खाटी बीकानेरी भाषा बोलते, उसे लगता था कि अपनापन, अपनायत लगती थी। इसके अलावा उन्होंने एक हाथ से दान किया तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगता था कि उन्होंने कोई किसी की मदद की, उसका ढिंढोरा नहीं पीटते थे। कई लोग दान कर देते थे उसका ढिंढोरा पीटते, वो ढिंढोरा नहीं पीटते थे, वो मतलब गुप्त रूप से लोगों की मदद करते थे। और इसके साथ साथ 3600 गाँवों में मतलब क्या है कि इतने प्रिय थे कि उसके कारण ही आज हम उनको श्रद्धा से याद करते हैं, उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि वंदन करते हैं। और मैं खासतौर से ये कहना चाहता हूँ कि उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम सिद्धांतवादी बने, जिन सिद्धांतों पर माणक जी जब अटल रहे, उन सिद्धांतों को पकड़कर एक तरफा रहें, पार्टी के लिए काम करें, संगठन के लिए काम करें, गरीबों के लिए काम करें। और गरीब का भला होता है तो वो कहते हैं ऊपर वालों को तो अपने आप भला होते हैं। गांधी जी भी यही कहते थे, आप निर्णय की स्थिति में हो तो सोचो आपकी कलम का फायदा गरीब से गरीब का हो रहा है तो आप उस कलम को चला दो, नहीं तो उस कलम को। इसी सिद्धांत पर माणक जी ने चुन पर्यंत और आज उनकी अनुपस्थिति हमें खलक रही है। निश्चित रूप से पार्टी का तो नुकसान वही हुआ, परिवार का भी नुकसान हुआ और बीकानेर के समाज का नुकसान, क्योंकि वे एक ऐसे नेता और ऐसे समाज से भी रहे कि उन्होंने जीवन पर्यंत अपना पूरा जीवन, अपना तन मन और धन सेवा में ही बिताया। ऐसे सेवा भाई माणक जी को मैं अपनी विनीत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और पिता परमेश्वर से, परवरदिगार से ये दुआ करता हूँ कि वे जहाँ भी हैं उनको जन्नत बख्शे और उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलते रहें और मानव मात्र की सेवा करते रहे। क्योंकि आज हमें अग्निवीरों की योजना भारत सरकार ने शुरू की है, बहुत ही ऐसे कहना चाहिए कि एक ऐसी योजना है जिससे न तो नौजवानों का भला होने वाला है, न देश का भला होने वाला है। उसके संबंध में धरना भी है 10 बजे से, अधिक समय ना लेकर सबको आमंत्रित करता हूँ कि उस धरने में आप सब लोग पधारें, बहुत शानदार धरना दें। सगीरी भारत के प्रधानमंत्री जी को, जो देश की सेना को 4 वर्ष के लिए और 4 वर्ष के बाद उनको एक तरीके से
कोई अपन जैसे कहते हैं ना किसी व्यक्ति को चार वर्ष नौकरी देने के बाद खुला छोड़ देना, कहाँ जाए वो, कैसे अपने बच्चों का पालन करेगा। और मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि उनके पार्टी के अध्यक्ष रहे हुए मध्य प्रदेश के विजय वर्गीय जी कहते हैं कि हम अपने यहाँ चौकीदार रख लेंगे, 10 लाख लोगों को चौकीदार रख लेंगे। वो क्या भावना है सेना के लोग, हम जो कहते हैं सेना के लोगों को हम अपने सर पे उठा के रखते हैं और उनको जो है अपने यहाँ चौकीदार बना देंगे, सेना का अपमान है। इसलिए कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इस योजना के खिलाफ अपने को प्रजातांत्रिक तरीके से सत्ता देना है, ताकि हम माणक जी जिस तरह से संघर्ष करते रहे, बाबा साहब ने भी ये कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमको संघर्ष करना है ताकि सेना में भर्ती स्थायी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनश्च माणक जी कहते मैंने मूलचंद की पारी मूर्ति के अभी यही से सब लोग चलेंगे। 2 मिनट का